स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ए वर्ल्ड बैंक, बी बैंक इंडोनेशिया, सी न्यू डेवलपमेंट बैंक, डी एशियन डेवलपमेंट बैंक। आंसर, बी बैंक इंडोनेशिया। एक्सप्लेनेशन, भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक इंडोनेशिया बीआई ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मुंबई में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। रिजर्व बैंक ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भारतीय रुपया और इंडोनेशियाई रुपया के उपयोग को द्विपक्षीय रूप से बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न, फ्रेंच ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल वर्ग में सेमीफाइनल में कौन पहुंचा? ए लक्ष्य सेन, बी कुंडलभूत विजेतसान, सी चिराग शेट्टी, डी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। आंसर, ए लक्ष्य सेन। एक्सप्लेनेशन, दुनिया के 19वें नंबर के भारतीय शटल खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने सनसनीखेज वापसी करते हुए 8 मार्च 2024 को फ्रेंच ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल वर्ग के रोमांचक क्वार्टर फाइनल मुकाबले में लो किन्यू को हराकर टूर्नामेंट के पुरुष एकल सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। अगला प्रश्न, भारतीय तटरक्षक बल किस देश के साथ सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन करेगा? ए जर्मनी, बी रूस, सी यूएसए, डी फ्रांस। आंसर, सी यूएसए। एक्सप्लेनेशन, भारतीय तटरक्षक बल द्विपक्षीय सहयोग को सशक्त बनाने के लिए अमरीकी तटरक्षक बल के साथ संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन करेगा। ये संयुक्त अभ्यास 9-10 मार्च 2024 को पोर्ट ब्लेयर के तट पर संचालित किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन नया सदस्य बना है? ए केन्या, बी अर्जेंटीना, सी चिली, डी पनामा। आंसर, डी पनामा। एक्सप्लेनेशन, सेंट्रल अमेरिकी देश पनामा आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए में शामिल हो गया है। पनामा आईएसए का 97वां सदस्य देश बना है। आईएसए की स्थापना भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास के रूप में की गई थी। वर्तमान में 116 देश आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। अगला प्रश्न, किस केंद्रीय मंत्री ने नीति आयोग के प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेट्स को लॉन्च किया? ए अनुराग ठाकुर, बी अश्विनी वैष्णव, सी राजनाथ सिंह, डी अमित शाह। आंसर, बी अश्विनी वैष्णव। एक्सप्लेनेशन, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग का प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेट्स लॉन्च किया। नीति फॉर स्टेट्स एक क्रॉस सेक्टोरल नॉलेज प्लेटफॉर्म है जिसे नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना डीपीआई बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्लेटफॉर्म पर कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आजीविका और कौशल विनिर्माण, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, पर्यटन, शहरी, जल संसाधन और विश्व स्वास्थ्य संगठन की वॉश रणनीति सहित 10 क्षेत्रों के ज्ञान उत्पाद शामिल हैं।